नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन के अंतर्गत ही हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन क्या होती है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो प्रोटीन होती है वो डीएनए के एक स्पेशल मोटिफ पे बाइंड करती है, और उस स्पेशल मोटिफ के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देर आर मैनी ट्रांसक्रिप्टन फैक्टर्स आर मॉड्यूलेटर प्रोटीन्स दैट इज कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल फंक्शनल डोमेन्स। फर्स्ट इज डीएनए बाइंडिंग डोमेन दैट इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक डीएनए सिक्वेंसेस। सेकेंड वन इज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन इंटरेक्ट विथ अदर प्रोटीन्स, जनरल ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, को एक्टिवेटर एटसेट्रा, टू स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द कोर प्रोमोटर। अब क्या होता है, बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारे हैं ना जो फंक्शनल डोमेन का निर्माण करते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, या अपन कहते हैं मॉड्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, उनके द्वारा ये बने हुए होते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला आपने बता दिया डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जो क्या कर रहा है, जैसे ये आपका जीन है या डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है, जो कि डीएनए की सीक्वेंसेस से इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरा आपके ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन है, जो क्या कर रहा है, अदर जो प्रोटीन्स होती है, जिसमें करना जो टी एफ सेकेंड डी ट्रिप ट्रिप है ना, टी आर एन आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड, और टी आर आई ए, इन प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोटर से स्टिमुलेट करते हैं। तो ज्यादातर जो यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, वो डीएनए के ऊपर डाइमेरिक फॉर्म में बाइंड करते हैं, यानी दो है ना जो मॉलिक्यूल्स मिलकर के और डीएनए के ऊपर ये बाइंड करते हैं। इनमें क्या होता है, एक होता है आपका डाइमराइजेशन डोमेन, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ में बाइंड करते हैं। तो पहला आपका डाइमराइजेशन डोमेन हो गया, जिससे क्या होता है, ये एक दूसरे से बाइंड करते हैं, और दूसरा होता है आपका इफेक्टर बाइंडिंग डोमेन, जिससे क्या होता है, इस इफेक्टर बाइंडिंग डोमेन की सहायता से क्या करते हैं, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करते हैं। तो ये तो आपका देखो टीएडी हो गया, और ये आपका हो गया डीबीडी। डीबीडी की सहायता से, डीएनए बाइंडिंग डोमेन की सहायता से पहले ही क्या कर रही है, आपस में देखो दोनों डाइमर बन गए, और ये टीएडी ये भी डाइमर बन गए, दोनों के दोनों डाइमर बन करके और डीएनए के ऊपर ये बाइंड करते हैं, और प्रमोटर रीजन से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट ये करते हैं। दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट बाइंड डीएनए डू सो इन अ सिक्वेंस स्पेसिफिक मैनर, द थ्री कॉमन फीचर्स ऑफ मोस्ट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आर। अब जो डीएनए बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होती है ना, उनके है ना जो जो क्या करती है, बेसिकली ये उनके तीन है ना जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या कॉमन फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ना, जो डीएनए के ऊपर ये सिक्वेंस स्पेसिफिक मैनर के अंदर डीएनए के ऊपर बाइंड करते हैं। अब ये जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, उनके क्या कॉमन फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहली बात, दे बाइंड टू द मेजर ग्रुप, जो कि 12 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है एंड 8 एंगस्ट्रॉम डीप होता है, वी डीएनए थ्रू अल्फा हेलिक्सेस। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो डीएनए जो ये प्रोटीन्स होती है, ये क्या करती है, मेजर ग्रुप के ऊपर बाइंड करती है, जो बी डीएनए का जो मेजर ग्रुप होता है, जिसकी चौड़ाई होता है 12 एंगस्ट्रॉम और डीप होता है ये 8 एंगस्ट्रॉम, बाइंड करते हैं किसके द्वारा, अल्फा हेलिसिस के द्वारा, यानी अल्फा हेलिसिस के द्वारा ये जो प्रोटीन होती है, ये बी डीएनए के मेजर ग्रूव के ऊपर बाइंड करती है। द माइनर ग्रूव ऑफ बी डीएनए, जिसकी है ना जो जो
जो साइज है 5 एंगस्ट्रॉम वाइड है एंड 8 एंगस्ट्रॉम डीप है, इज जनरली टू नैरो टू फिट एंटायर अल्फा हेलिसेस। तो ये जो इनका जो बी डीएनए का जो माइनर ग्रूव होता है ना, उसका जो साइज होती है बहुत ही छोटी होती है, जिससे पूरे अल्फा हेलिसेस इसमें एंटायरली फिट नहीं हो पाते। इस वजह से क्या होता है, ये जो डीएनए बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होती है, ये मेजर ग्रूव के ऊपर ही बाइंड करती है अल्फा हेलिसेस के द्वारा। दे जनरली डू नॉट डिस्टरप्ट द बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए बट डिस्टॉर्ट द कन्फॉर्मेशन ऑफ द बैकबोन बाय बाइंडिंग द डबल हेलिक्स। ये क्या होते हैं, जनरली क्या करते हैं, डीएनए के बेस पेयर्स को ये डिस्टरप्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये इनका जो बैकबोन का जो कन्फॉर्मेशन होता है, बैकबोन किसकी बनी होती है, डीएनए की, सुगर फॉस्फेट, ठीक है, और सुगर की जो बैकबोन बनी होती है उसको क्या करते हैं, ये डिस्टोर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है ये बैंड हो जाता है, और बैंड होकर के और जो आपकी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है उसके चारों तरफ ये बैंड हो जाता है। द रोल ऑफ डीएनए बाइंडिंग डोमेन इज टू ब्रिंग द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन इन टू द विसिनिटी ऑफ द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन को प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ में ले आता है ये बेसिकली। डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स ऑफ यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली कौन कौन से डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच बाइंड डीएनए इन ए सिक्वेंस स्पेसिफिक मैनर कंटेन करेक्टरिस्टिक डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स और मोटिफ, जिसके बारे में हमने बात कर ली है कि डीएनए बाइंडिंग जो जो मोटिफ होता है उसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा क्या करता है ये डीएनए के ऊपर एक के बाद एक यानी सिक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में ये बाइंड करता है। इनफैक्ट यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट फैमिलीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीएनए बाइंडिंग मोटिफ दे कंटेन। यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिलीज कौन कौन सी होती है, बेसिकली हेलिक्स टर्न्ड हेलिक्स प्रोटीन्स होते हैं, जिंक फिंगर प्रोटीन्स होते हैं, ल्यूसीन जेपर प्रोटीन्स होते हैं एंड हेलिक्स लूप हेलिक्स प्रोटीन्स होते हैं। ये चार प्रकार के डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो प्रोटीन्स होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फैमिलीज का निर्माण करती है, जिनमें हमने बता दिया कि एसटीएच हो गया, जिंक फिंगर हो गया, ल्यूसीन जिपर हो गया एंड हेलिक्स लूप हेलिक्स, जिसको हम एचएलएच लूप प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये चार प्रकार के यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिलीज का ये चारों प्रोटीन्स मिलकर के निर्माण ये करती है। अब सबसे पहले हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो मोटिफ जो प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो इनकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई इन हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ प्रोटीन की, तो द डिस्कवरी ऑफ द हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ वॉज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज बिटवीन सेवरल जीन्स एनकोडिंग ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स फ्रॉम बैक्टीरियोफेज लैम्डा एंड इकोलाई सीआरओ कैप लैम्डा रिसेप्टर विच वर फाउंड टू शेयर अ कॉमन 20 to 25 अमीनो एसिड सिक्वेंसेस दैट फैसिलिटेट डीएनए रिकॉग्निशन। अब क्या हुआ, बेसिकली ये देखा गया कि जो ट्रांसक्रिप्शनल जो रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको बहुत सारे जो जीन्स होते हैं वो एनकोड करते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर जब देखी गई किस किस में, आपके बैक्टीरियोफेज लैम्डा में एंड इकोलाही में, और जो ये तीन जीन सीधी जब देखे गए तो इसमें ये पता चला कि इनमें जो बहुत सारे जो जीन्स होते हैं ना उनमें लगभग लगभग 20 से 25 अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती हैं वो कॉमन होती है। ये 20 से 25 अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या करती है, बेसिकली डीएनए रिकॉग्निशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये पता चला कि जो ये जो सीक्वेंस होती है ना, ये सीक्वेंस ऐसी होती है जिसके द्वारा ये जो तीनों जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, इन सीक्वेंस के द्वारा
डीएनए के ऊपर ये बाइंड कर जाती है, और ये जो सीक्वेंस होती हैं ये सिमिलर होती हैं इन सारे प्रोटीन्स में। तो इससे पता लगा कि हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो प्रोटीन होता है वो इनमें पाया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, बाकी का हम लोग हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो मोटिफ है उसका डिटेल्ड हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे अथवा मेरे व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।